मात्राएं। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है। जब स्वर व्यंजनों में मिलाकर लिखे जाते हैं तो वे पूरे नहीं लिखे जाते, उन्हें चिन्हों के साथ लिखा जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। बच्चों, हमें मात्राओं के उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध बोलना जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ जरूरी नियमों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ स्वर स्वयं ही सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। यदि व्यंजनों के साथ अ स्वर को न जोड़ा जाए तो वे हलंत के साथ लिखे जाते हैं और बोलचाल की भाषा में आधे अक्षर कहलाते हैं। चलिए अब स्वर की मात्राएं भी सीख लेते हैं। ये है बड़ा आ और ये है इसकी मात्रा। अगर हम ये मात्रा को श व्यंजन में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श जमा आ मिलके बनेगा शा। और इससे हम क्या शब्द बना सकते हैं? इससे हम बना सकते हैं शाम। इससे हम बना सकते हैं शाखा। ये इ स्वर है और ये है इसकी मात्रा। अगर हम ये मात्रा क व्यंजन में जोड़ देते हैं तो बनता है की। और इससे क्या शब्द बनता है? किला, किताब। ये है स्वर बड़ी ई और ये है इसकी मात्रा। अगर हम यह मात्रा च व्यंजन में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? ची। और उससे हम क्या शब्द बना सकते हैं? चील, चीता। यह उ स्वर है और यह इसकी मात्रा। अगर हम यह मात्रा स व्यंजन में लगा देते हैं तो बनता है सुबह, सुमन। यह उ स्वर है और यह उसकी मात्रा। अगर हम यह मात्रा च शब्द में लगा देते हैं तो बनता है चूहा, चूजा। यह रि स्वर है और यह इसकी मात्रा। अगर हम ये मात्रा क व्यंजन में लगाएंगे तो बन जाएगा कृपा, कृति। यह ए स्वर है और यह उसकी मात्रा। अगर हम यह मात्रा क व्यंजन में लगाएंगे तो बन जाएगा केला, केशव। यह ऐ स्वर इसकी मात्रा। अगर हम इसको प व्यंजन में लगाएंगे तो बन जाएगा पैर, पैसा। यह है ओ स्वर और यह उसकी मात्रा। इस मात्रा को क व्यंजन के साथ लगाने से शब्द बनेगा कोयल, कोपल। और अंत में औ स्वर और यह उसकी मात्रा। अगर हम यह मात्रा द व्यंजन के साथ लगाते हैं तो बन जाता है दौड़, दौलत। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हिंदी भाषा में वर्णों को लिखने के लिए बनाए गए विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।